गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो भाई लोग सब। अभी टाइम बज चुका है 10:17, जैसे कि आप देख सकते हो। तो गुड़गांव में 10:17 पे भी ऐसी फटी हुई गर्मी है। अभी मुझे जाना है BMW के स्टोर पे और मुझे बाइक मेरी सर्विसिंग करवा के लेने की है। तो ये मेरी बाइक है और अभी हम रवाना हो गए हमारे राइड के लिए। तो जैसे कि देख रहे हो, तो मैं इधर टाइप करूंगा न्यूटन्स न्यूटन्स मोटरार्ड जैसे कि देख रहे हो, ये दिखा रहा है। 1 घंटा एग्जैक्ट लग जाएगा, 11:27 को न्यूटन्स में पहुंच लेंगे। BMW गए हैं न्यूटन्स BMW। इतना गर्मी था कि
क्या बोलूँ आपको, मैंने इम्पॉसिबल था कैसे पहुँचा हूँ। एक घंटा तपती हुई गर्मी में थोड़ा सा मुश्किल सा काम है, पर कर पाए और पहुँच लिए। और अभी फ़िलहाल में बाइक गई है ऊपर सर्विसिंग के लिए। अलीम सर बोल रहे थे, जो इधर के मैनेजर है तो जो सर्विस देखते हैं, तो उन्होंने बोला था कल आइए। तो मैंने हमने उनसे प्रार्थना की कि भाई साहब हमें आज ही देना, कल का दिन मत दिखाओ, बिकॉज कल हम जाएंगे ऊपर की तरफ, दैट इज़ टुवर्ड्स द नॉर्थ, और आपको अपडेट देते रहेंगे। चालू ही रहेगी अपनी, फ़िलहाल में गुफ्तगू तो चालू ही रहेगी अपनी। तो ये अपन करेंगे कॉफ़ी के साथ में, ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। हमने अभी गए 5-6 महीने से दो चीज़ें लाइफ में छोड़ दी है, एक तो सिगरेट और दूसरा शुगर। तो चीयर्स टू अ वंडरफुल लाइफ। ब्लैक कॉफ़ी का स्वाद अलग ही है। सो हाय फ्रेंड्स, अभी ऊपर आया हूँ शोरूम पे और 1300 GS आपको दिखा दूँगा। सो ये अपनी 1300 GS है। सो इसका एक ब्रॉड लुक। टाइम बच चुका है 3:12 और बीबी BMW स्टोर पे ही बैठे हैं कि बाइक अभी तक सर्विसिंग चालू है उनका। तो खाने के लिए कुछ तो ऑर्डर किया है, बहुत भूख लगा था। तो सबसे लाइट मैंने सोचा कि बाबा सब्वे का एक सैंडविच हो जाए, तो उससे थोड़ा पेट भी भर जाएगा और थोड़ा आराम भी मिल जाएगा पेट को। सैंडविच बहुत ही बढ़िया है, गर्मी और गर्मी में एक्चुअली लाइट खाना ही पसंद करता हूँ मैं। प्रेफरेबली ज़्यादा वेजीज हो जो डाइजेस्ट करने के लिए आसान हो जाता है, ज़्यादा मीट नहीं खा रहा हो और ना ही कोई पनीर वगैरह खा रहा हो। तो यही है आज के लिए। सो फाइनली द बाइक इज़ डन नाउ और अभी हम जा रहे हैं ऊपर बाइक पिकअप करने के लिए। सर्विस लुटेंस का बहुत ही अच्छा था टिल नाउ, टिल टाइम आलिम सर एंड एवरीवन गेव अ गुड सर्विस टू अस। एंड सिटिंग हियर अभी कम से कम 2-3 ब्लैक कॉफ़ीज तो चटक किए हैं ऑलरेडी, और अभी हमारा ये बिल पेइंग का टाइम है। अभी क्या किया है देखते हैं और आई विल गेट बैक टू यू। सो अभी भैया पहे देने का टाइम आ गया है, कितने पहे लगा रहे हैं देखते हैं। सो फाइनली हमको 20K में डील इज डन, थैंक यू सो मच। और आपने सर्विस सॉलिड किया बाइक खरीदने के बाद में, क्या बट बैठने के बाद में क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। एंड आई विल गिव 101% मार्क्स टू ल्यूटन्स टीम इन ऑल, सुपर्ब वर्क डन, थैंक यू। सो अभी ल्यूटन से बाइक की सर्विसिंग हो चुकी है, फर्स्ट क्लास सर्विसिंग करवा दी है उन्होंने। मैं कोई गुंजाइश है ही नहीं कि बाबा कैसे हो गया क्या हो गया, फैंटास्टिक सर्विस डन। एंड नाउ अभी आई एम राइडिंग टुवर्ड्स गुड़गांव, यू कैन सी इट इज शोइंग 1 hour 13 minutes। सो या विश मी लक दैट आई रीच सेफली और मिलते हैं ऑन द रोड।
अभी फिलहाल 4 किलोमीटर कवर कर पाए हो, बट 32 था, अभी 28 दिखा रहा है। 7:11 बजा है और भाई साहब बोल रहे हैं 8 बजे तक पहुँचने के। देख लेते हैं अभी कैसे क्या होता है। दोस्तों पहुंच गए गुड़गांव और ये रही हमारी प्रिंसेस। अभी इसका सर्विसिंग बहुत ही सही करवा दिया है, तो प्रॉब्लम है नहीं कुछ बाइक के अंदर। इस सुबह से एक ही सैंडविच खाया है, उसके ऊपर कुछ खाना हुआ ही नहीं मेरा, तो आज थोड़ी सी रोटी छोटी हो जाए है ना, ज़रूरी है। तो आज जाएंगे ऊपर दाना चोगा में। सो एंट्री कर दी अभी दाना चोगा में, ये निर्वाणा कोर्टयार्ड में ही है। तो अभी इधर आके अपन मस्त एसी चालू रहना चाहिए, अगर एसी चालू रहेगा तो फिर बैठेंगे, नहीं तो फिर ओ यस एसी चालू है। तो अभी थोड़ा खाना खा लेंगे, राइट। सो अभी मुझे खाने के लिए मैंने ऑर्डर कर दिया है फूड को। आज ऑर्डर किया है पनीर और पुदीना पराठा, और उसके साथ में मैं मेरे वाइफ के साथ में थोड़ी बातें कर रहा हूँ। हाय हाय, सो दैट इज़ हाउ अ नॉर्मल टिपिकल राइडिंग सिचुएशन बिकम्स। तनवीर से ही बात कर रहा था मैं, धूप हद से बाहर है, यानी टेम्परेचर राइट नाउ आर नथिंग लेस देन 43-44 डिग्री, इट्स वेरी हॉट। जो मुझे लगा था कि मैं आराम से बाइक राइड कर पाऊँगा ऊपर वादियों में, तो मुझे खुद को इतना तकलीफ हो रहा है कि अभी हम वही डिसाइड कर रहे थे कि ये रहेगी मिस्ट्री,
कैसे पहुंचने वाले हैं, ये आप बने रहिए चैनल पे। सो आज खाने में ऑर्डर किया हमने पनीर टिक्का और ये है पुदीना पराठा, उसमें थोड़ी सी चिड़की है मिर्ची हरी वाली। तो अभी एंजॉय करते हैं फूड को और आप डिनर कर दिया हमने, ये चोखा दाना करके है, दाना चोखा सर, तो अभी जाएंगे इसके बाद में थोड़ा कुछ तो स्वीट खाने का मन कर रहा है, तो अभी जाएंगे आप गेस करना किधर, सबसे फेवरेट प्लेस हमारी। सो ये हमारा फेवरेट प्लेस जिधर हम स्वीट खाते हैं। हेलो सर, हेलो। सो आज खाएंगे, वापस खाएंगे आज हॉट चॉकलेट फज। हमारा हॉट चॉकलेट फज, अरे नेरुला की सबसे स्पेशलिटी है, सबसे बड़ा उनका ब्लॉकबस्टर है प्रोडक्ट, बराबर ना भैया? हाँ, हर दिन का कम से कम एक 200-500 तो जाता ही रहेगा आराम से, और गर्मी में तो और सही है। भैया तो खुश है, चलो हम भी अभी खुश होते हैं।